गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर ए एब्स्ट्रैक्ट एंड कलेक्टिव नाउंस। आज हम लोग एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव नाउंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट नाउंस। रीड द सेंटेंसेस। द बॉय शोड ग्रेट करेज। आई मिस माई चाइल्डहुड। वी कैन सी द बॉय बट वी कैन सी और टच करेज। लॉ It is the name of something that we can only think. Such a name is called an abstract noun. आप यानी हम देख सकते हैं कि जो सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें यूज़ किया गया है करेज का, चाइल्डहुड का, इन सारी चीज़ों को हम लोग फील कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसे हम लोग टच नहीं कर सकते। केवल हम लोग इन चीज़ों को फील कर सकते हैं। जैसे करेज हुआ, साहस, साहस जो होता है वो एक फील करने का चीज़ होता है। जैसे चाइल्डहुड वो फील करते हैं। तो ये कहने का मतलब हो गया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसे नाउन होते हैं जिसमें हम लोग जो है उन चीज़ों को, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उन चीज़ों को सिर्फ फील करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल्स, जैसे स्वीटनेस हुआ, वीकनेस हुआ, काइंडनेस, डार्कनेस, पीटी, पेन, होप, डाउट, ग्रीड, चाइल्डहुड, माइजरी, ऑनेस्टी, स्लीप, सिकनेस, डेथ, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। इन नेक्स्ट कलेक्टिव नाउंस, अ नेम गिवन टू अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। अर्थात कलेक्टिव नाउंस होता जो है वह किसी समूह का, एक ग्रुप का या पर्सन का एक समूह होता है, लोगों का समूह होता है, वस्तुओं का समूह होता है, ग्रुप होता है। तो जो वस्तु का या कोई पर्सन है उसके समूह जो होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं, उसी को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। द वर्ल्ड आर्मी इज़ अ कलेक्टिव नाउन। जैसे आर्मी जो हुआ, आर्मी क्या होता है, वो सोल्जर जो सैनिक होता है उसका एक ग्रुप होता है। तो आर्मी जो हुआ आपको एक कलेक्टिव नाउन है, बिकॉज इट इज़ द नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, क्योंकि यह सोल्जर्स का एक समूह होता है। सिमिलरली क्राउड, क्राउड जो है वो भी एक कलेक्शन है, एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये लोगों का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसी को हम क्राउड कहते हैं, यानी भीड़। फ्लॉक इज़ अ कलेक्शन ऑफ सीप, जो सीप का कलेक्शन रहता है, झुंड जो होता है, उसी को हम सीप के जो झुंड होते हैं उसी को हम फ्लॉक कहते हैं। और गॉड्स की फ्लीट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सीप, जबकि सीप का जो कलेक्शन होता है, समूह, जो पानी वाला जहाज होता है, चाहे ढेर सारे जहाज लगे होते हैं, उसके जो समूह होते हैं उसको हम फ्लीट कहते हैं। फॉर डेफिनेशन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ। यानी कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसे नाउन होते हैं जिसके बारे में हम लोग थिंक करते हैं, फील कहते हैं, जैसे ब्यूटी, ऑनेस्टी। व्हेन ए नाउन इज़ द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स कंसिडर एज वन, सच एज आर्मी, क्राउड, फ्लॉक, फ्लीट, इट इज़ कॉल्ड ए कलेक्टिव नाउन। जबकि वैसे नाउन जो एक कलेक्शन होता है वस्तुओं का और पर्सन का, व्यक्तियों का जो समूह होता है, वस्तुओं का जो समूह होता है, ठीक है, जिसको हम एक के रूप में कंसिडर करते हैं, मानते हैं, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आर्मी हुआ, क्लाउड हुआ, फ्लॉक और फ्लीट जो है, ये सारे वर्ड्स एक कलेक्टिव नाउन है। इट इज़ कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। ये सारे कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।